आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अनहर्ड की नशरा। टॉप हेडलाइंस लेकर मैं हूं आपके साथ मलिक रूफ, आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की मुख्तलिफ असामियों के उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने दूसरे दिन भी जम्मू में एपटेक कंपनी के खिलाफ किया एहतजाज, दर्जनों गिरफ्तार। आलमी सतह पर भारत को बदनाम करने पर राहुल गांधी को मुल्क से मांगनी चाहिए माफी, भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चिग का बयान। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ 11 मार्च को जम्मू बंद की दी है काल, कहा 11 मार्च को जम्मू के तमाम तजारती व कारोबारी इदारे रहेंगे बंद। एपटेक के मामले में दिखाई जा रही हठधर्मी काबिल मजम्मत, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक का बयान। वस्ती कश्मीर जिला बडगाम के सुगिन खाग से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की लाश दरिया जहलिम से की गई बरामद, नौजवान ने फरवरी के 15 तारीख को दरिया जहलिम में लगाई थी छलांग। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने लंगेट यूनसू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का किया अचानक मुआयना, पीएचसी में डॉक्टर समेत 5 मुलाजमीन पाए गए गैर हाजिर, डिप्टी कमिश्नर ने सीएमओ कुपवारा को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दी हिदायत। जिला किश्तवाड़ में एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से शहरी अजान, जिसकी शिनाख्त मुंशी राम के तौर हुई। श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में एक गैर मुकामी शख्स को बीवी ने चाकू से वार करके कर दिया शदीद जख्मी, शख्स की शिनाख्त राकेश कुमार वल्द अशोक कुमार के तौर हुई। पीएसएल 2023 क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पिशावर जुल्मी को 8 विकेट से दी शिकस्त, जैसन रॉय को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया करार। आज की हेडलाइंस में इतना ही। जेके अनहर्ड की पूरी टीम को इजाजत दे, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।